दोस्तों कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि दूता लोन एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने का सबसे आसान तरीका क्या है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप दूता लोन एप्लीकेशन से जो कि पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो कैसे अप्लाई करेंगे। स्टेप बाय स्टेप पूरा तरीका इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आपको भी पर्सनल लोन की ज़रूरत है, लोन लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। तो चलिए बिना तरीके वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन का इंटरफेस जो कि कुछ इस तरीके से है, इसका नाम है दूता रुपीस, जो कि यहाँ देख सकते हैं साफ लिखा हुआ है। तो इसी एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पर इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन के अंदर जो है आपको ऑनलाइन ही सारा कुछ जो कि आपको प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, कोई भी वेरिफिकेशन आपके घर पर नहीं आते हैं। यहाँ पर आपको लोन अमाउंट जो है गाइज 2000 से लेकर के 60,000 रुपये तक का जो कि आपको मिल जाएगा, 95 दिन से लेकर के 12 महीनों के लिए जो कि यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर रेसिडेंस ऑफ इंडिया है, यहाँ देख सकते हैं कि आप इंडिया का होना चाहिए। आपका एज जो है मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम यहाँ पर 56 वर्ष होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ है आपके पास तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसके अंदर आपको अप्लाई करना है। तो मेरा यहाँ पर ओपन हो गया है, चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद जो है गाइस आपके सामने जो कि कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस बॉक्स में आपको चेक मार्क करना है और यहाँ एक्सेप्ट लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन आप चाहे तो पढ़ भी सकते हैं, नहीं पढ़ना चाहे तो यहाँ इस बॉक्स में आपको चेक मार्क करना है और यहाँ एक्सेप्ट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ से सारे परमिशन को जो कि आपको अलाउ कर लेना है। और करने के बाद जो है गाइस आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा, जैसा कि मेरा यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस कि 30,000 रुपये यहाँ देख सकते हैं गाइस 30,000 रुपये। तो उसके बाद अब आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद जो है आपको मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करना है और उसके बाद यहाँ नेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, पहला आपको यहाँ पर KYC डॉक्यूमेंट्स है और दूसरा यहाँ पर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन है। तो चलिए हम सबसे पहले के लिए हम यहाँ नीचे स्टार्ट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करते हैं। करने के बाद जो है गाइस यहाँ देख सकते हैं कि 3000 रुपये है जो कि 95 दिनों के लिए यहाँ पर है। तो उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। सो गाइस तो यहाँ पर देखिए कि लोन अमाउंट जो कि 3000 रुपये है, यहाँ ऊपर में देखिए जो कि यहाँ पर 95 डे लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं मेरे अकाउंट में जो अमाउंट आएगी वो 1860 रुपये है और टोटल जो मुझे रीपेमेंट करना है वो 3000 रुपये है। इंटरेस्ट रेट जो है वो यहाँ पर जीरो है, कुछ भी नहीं है। इंटरेस्ट चार्ज डेली जो कि यहाँ पर जीरो है, GST यहाँ पर 10% है और सर्विस फीस जो है वो यहाँ पर 1140 रुपये है। तो अगर आप यहां पर लेना चाहते हैं तो इस बॉक्स में आपको चेक मार्क करना है और स्टार्ट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों उसके बाद जो है यहां पर आपको SMS के माध्यम से जो कि बताया जाएगा कि आपको कितना अमाउंट मिलेगा। तो मेरा यहां पर सारा जो कि सबमिट हम कर दिए हैं फिलहाल। यहां पर जैसे ही इस बॉक्स में चेक मार्क करेंगे और स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं गाइस कि आपको SMS के माध्यम से जो कि बता दिया जाएगा कि आपको कितना अमाउंट मिलेगा। तो उसके बाद यहाँ माई अकाउंट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और माई लोन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर अभी मेरा नो डाटा लिख रहा है, जब मुझे यहाँ पर दिखाएगा तो यहाँ पर जो कि लोन शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बैंक कार्ड लिखा हुआ है, इसमें आप अपना बैंक डिटेल्स जो कि फिल कर लेंगे, IFC कोड, बैंक अकाउंट नंबर, कन्फर्म अकाउंट नंबर। उसके बाद यहाँ सबमिट लिखा हुआ है, इस वाले पे क्लिक कर लेंगे। तो अभी मेरा जो है फिलहाल यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा है, आगे का कुछ ऑप्शन जो कि नहीं आया है, नहीं आधार कार्ड, नहीं पैन कार्ड, नहीं बैंक अकाउंट नंबर डालने का कुछ भी ऑप्शन जो कि आगे का शो नहीं हो पा रहा है। तो आगे का प्रोसेस जैसे ही मेरा ओपन होगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कितना अमाउंट मिला है, कैसे आप जो है बैंक डिटेल ऐड करेंगे, आधार कार्ड पैन कार्ड कैसे इसके अंदर सबमिट करेंगे, वो सारी डिटेल जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा। अभी फिलहाल यहाँ पर कोई ऑप्शन ही आगे का नहीं आ रहा है, जिसके वजह से मैं आप लोगों का आगे का प्रोसेस जो कि नहीं बता पाया हूं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।